जिहड़े हालातां च आपां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई गल दा मेरी दा गुस्सा ना कर जे, अंदरलियां रमजां तुसी भी पछाणदे हो, मैं भी पछाणदा कि किस तरीके दा जर्नलिस्टां ते सिंगरां ते न्यूज़ वैब चैनल्स ते प्रेशर बनाया जांदा कि फलाने दी लाइव ना दिखाई। अनलानी एमरजेंसी जिन्होंने इंदिरा गांधी बारे कल्ला सुनिया है, अज वो देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी का असल जिहड़ा दूजा रूप है वो भगवंत मान च देख सकते। क्योंकि मैं ये गल तां कह रहा आ, पिछले दिन भी जो कुछ होया उस नूं भावें साडी पार्टी ने कंडेम किया, मगर अज मैं वेख रहा सा किन्ने लोगों के अकाउंट बैन करते गए। कुछ सिंगर सन बब्बू मान, जसबीर जस्सी, न्यूज चैनल दे कई सीगे, कोई इन्फ्लुएंसर सी मिंटू गुरसरिया, किसान एकता मोर्चा, ट्रैक्टर ट्विटर टू ट्रैक्टर, ट्रैक्टर टू ट्विटर, ये वो अकाउंट्स ने जिन्हां ने बड़ा किसानी वेले भी काम किया सी, और तुसी सारे असी उन्हां नूं फॉलो करते सां। कई रिपोर्टर ने भावें उन्होंने साडे खिलाफ भी बड़ा सख्त लिखिया, नहीं कि सानू कदे उन्होंने कोई चैरिटी की है। कमलदीप बराड़ साहब ने, गगनदीप ने जी ने एक वीडियो में लगा छतेरी है मेरा वीर यही है ना, कोई संघ ना की हो जाना, परचा हो जाना, कोई डरन की लोड़ नहीं मेरा वीर, पंजाब वेखदा। देखो यू विल गो डाउन इन द हिस्ट्री कि केड़ा सरकार दे अगे खलोता सी ते केड़ा सरकार अगे झुकिया सी। नौ तो दोवां दे आउणे आ, मगर गिनती कर ली पछाण उन्हां दी होणी जिहड़े अगे खलो गए सच वास्ते। संदीप सिंह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, कल परसों की गल है, सुखनैब सिद्धू साहब उन्होंने फड़िया सी छड़ता, क्यों इन्हां हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? ये हालात सिर्फ इसलिए पैदा हो रहे हैं बिकॉज ये लोग सरकार नूं क्वेश्चन करते यार, चौथे थंब का काम की है, क्वेश्चन करना ही है। हाउ विल डेमोक्रेसी सर्वाइव, लोकतंत्र किवें बचूगा जे तुसी सवाल ही नहीं उठा सकते। अजीत अखबार उन्हां दे मतलब संपादक जिहड़े ने साडे हमदर्द साहब, पंजाबी ट्रिब्यून ते भी रहे आ लंबा समा, उन्हां ते की कुछ होया, ये कोई लुकी छिपी गल नहीं। और अज भी एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया मुख्यमंत्री साहब नूं लॉ एंड ऑर्डर दा, उहदे नाल जो कुछ होया, चलो आप ही अज नहीं हौसला करनगे, रब मेहर करे ही सारे उन्हां नाल खलोते आ, जेल भरो अंदोलन करना पै सारे भरांगे, घबराउण दी लोड़ नहीं, मगर सच लई खलोना पैना। आई थिंक इट्स योर जॉब, इट्स योर ड्यूटी। और तुसी क्वेश्चन अकाली दल नूं कीता, तुसी क्वेश्चन कांग्रेस नूं कीता, मगर इह जिहे हालात नहीं कदे मैं समझदा पैदा होए जिहड़े हुण हो रहे आ। अफसोस की गल है, इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ दैट एमरजेंसी। और मैं आस करदा, उम्मीद करदा कि एमरजेंसी हटे, इसलिए मैं आपकी गल ये जरूरी तां समझी करनी, क्योंकि जो मैं हुण बोलन लग्या वह फिर एमरजेंसी लगनी, भावें चैनलों थ्रू लग जाए, भावें थ्रोडे थ्रू लग जाए। इसलिए जेड़ा तो पंजाब के हित च हो, पंजाब के हक च हो, मैं समझदा वह खबर लाऊ। देखो एक कट्टर ईमानदार आपदे आप नूं घुआउण वाले कट्टर बेईमान है। और मैं एक बार ही नहीं, मैं थोनों पिछली बार ये गल सिद्ध कीती सी, जेड़ा वो केस होया सी राकेश चौधरी वाला, चांडक वाला, जेड़ा माफिया चलदा सी अपना रेते दा, सैंड माफिया दा, और इन्हां दे स्पोक्सपर्सन आए, बड़ा कुछ आया कि जी हाई कोर्ट दी स्टे, और मैं चैलेंज कीता और अज तक मैनू जवाब नहीं दिता कि हाई कोर्ट दा स्टे कित्थे दिखा दिओ, तुहानू दिखा देण, मैनू तां की विखाउणा। अज तक हाई कोर्ट दा स्टे नहीं आया, और अज भी एज वी स्पीक टूडे
राकेश चौधरी नू हाई कोर्ट तो कोई प्रोटेक्शन नहीं, मगर ये उन्हें फड़दे नहीं है। आ तरीक उन्हें मार्च च लगी सी, अगली तरीक पै गई है, फिर ओदे च जाके जरा एफीडेविट कढ़िया सरकार ने की दिता ओदे हक च। एक पासे दा राघव चड्ढा जिन्हू प्यार नाल आरसी कहिंदे आ, ये पता नहीं कहदी आरसी बनाउण लग पिया पंजाब च, करप्शन दी ठगी ठोरी दी, पंजाबियां दे खजाने दी लुट दी आरसी है। उन्हें जाके धरना दिता सी राकेश चौधरी के खिलाफ, जे तुसी भुल गए हो, और सरकार का एफीडेविट ओदे हक च है हाई कोर्ट च कि जी आ कुछ पैसे भावें ने लुट तो 500 करोड़ की की है, मगर जे 8 करोड़ जमा करा दे असी इनू फिर काम दे देंगे। ये एफीडेविट बोलता स्टे कोई नहीं। इस तरह ज मैं दूजे टॉपिक ते आ रहा, इन्हां दे मैं समझदा कि झूठ बोलण दा ठेका, कट्टर झूठे, कट्टर धोखेबाज, कट्टर बेईमान, कट्टर लफ्ज तो नहीं वरतना चाहिए, मैं मजबूरन वरतन लग्या, मैनू बड़िया ने कहा ना करी, मगर एक साढ़े ना माझे च कहिंदे आ या लुचपो दी भी हद हुंदी, मतलब एडी इस किस्म दी। आ इन्हां दे मंत्री जी सी एक, मैं 2-3 वारी सुन लिया, मेरे तो फिर रहा नहीं गया कल दी अखबार तो बाद। मैनू पहला भी सीगा कि मैं थोड़े रूबरू होवां, फिर मैनू किसे सज्जन ने कहा यार उन्होंने चलाउणी चलूनी तां है नहीं, सरकार दा दबाव बड़ा रहिंदा तू रहण दे, मैं भी कहा मैं टाइम बर्बाद करांगे, हटदे ही नहीं यार। एक तो बाद फिर दूजे दिन बाबा, फिर तीजे दिन, हुण कल फिर की कहता हरपाल चीमा साहब ने, कहिंदा जी 41% जंप है एक्साइज रेवन्यू च। मैं ओपन चैलेंज दिना जी, ओपन चैलेंज, जेड़े मर्जी फोरम ते 41% दी रेवन्यू इनक्रीज नहीं है, फिगरां दी ठगी ठोरी है, और 200 करोड़ दी खजाने दी लुट जरूर है उहदे च। जे इस नूं मैं नहीं, आ मैं इन्हां ते कागज ही लैके, क्योंकि मैं तां जे सीधा बोलूं मजीठिए नूं की पता जी, मजीठिया फलाने नूं करदा सी, ढींगड़े नूं करदा, इन्हां कोल तां रटी रटाई लफ्ज ने मेरे वास्ते, तां आ इन्हां दी मैं कागज ही कढ के लियां, आ पढ़ के सुना दिंदा। मंत्री मंडल दी मीटिंग दे एजेंडा मध नंबर फलाना, मंत्री मंडल दी मीटिंग दी मिति पंजाब सरकार आबकारी ते कर विभाग, मंत्री मंडल लई मेमोरेंडम आबकारी नीति 2023-24। मेरा कागज नहीं है भगवंत मान जी, थोनू तो नहीं समझ आनी क्योंकि तुसी तां इह थोड़ी नीति है, 8 PM दे बाद वारी जदों जिवें केजरीवाल साहब कहिंदे ने, देखो किड्डा वड्डा कुरबानी दित्ती जी, पैग लाउणा छड्डता, ये उहदी नीति है, निरी ठगी ठोरी दी नीति। और मैं हुण इह च ही साबित करूँगा एक एक पेज तो कि झूठ किहड़ा किहड़ा इन्हां ने बोलिया, और मोर कौन लाउंदा कि झूठ बोलिया कि लुट होई। मोर मैं नहीं, मोर ला रहे 3 मंत्री, हरपाल चीमा साहब आप, इन्हां दी एक बणी जी आबकारी नीति 23-24 दे खरड़े दी प्रवानगी संबंधी, आबकारी नीति 23-24 दे खरड़े दी दे नूं विचार करन हित अते इस उपरंत खरड़े नूं प्रवानगी देन लई मानयोग मुख्यमंत्री जी वल्लों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दा हेठ लिखे अनुसार गठन कीता गया। वो केड़े केड़े ने, उन्हां दी घुग्गी भी वज्जी है साइड ते, हरपाल चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल साहब जिहड़े कहिंदे मेरा तां ताउंत ही नहीं, हरजोत सिंह बैन साहब, इन्हां ने आप ही घुग्गी मार के तस्दीक कीता कि वाकई लुट होई, और जो लुट केड़ी। मैं तां अज पुछना चाहुंदा अश्विनी शर्मा जी नूं, भाजपा दे प्रधान साहब नूं, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਸੋਦੀਆ ਫੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੈਵਨਿਊ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ 21-22 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। 74 L1 ਸੀਗੇ ਜੀ, 74 ਔਰ 22 ਨੇਮ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਆਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਸੋਲ ਦਿਸ ਪੇਪਰ, ਆਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, 74 L1 ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆਪ ਦੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨੋਪਲੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਮਨੋਪਲੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 7 ਹੋ ਗਏ। ਓਨਲੀ 7 L1 ਫਰੋਮ 74 ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ 7 ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢੱਲ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ, ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ L1 ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਸੋਦੀਆ ਕੇਸ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ? 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ L1 ਨੇ, ਦੋ 50% ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ 50% ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਨੇ 50% ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ L1 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਓ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਨੈਕਸਚਰ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਲ ਦੇ ਨੈਕਸਚਰ 2 ਖੋਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਚਰ 2 ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਚਰ 2 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਕਸਡ 5 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀ ਕੌਮਰ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀ ਵਟ ਐਵਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆਫ L1 PML ਐਂਡ L1 IML IMFL ਐਂਡ IFL ਐਂਡ ਬੀਅਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨ ਕਰੋੜਸ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਗਏ ਹੁਣ ਐਤਕੀ? ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ L1 ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਛਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਜ ਗਈ ਵੱਜ ਗਈ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ED ਮਗਰ ਆਊ, CBI ਮਗਰ ਆਊ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਫੀਸ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ 5% ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 10% ਵਧਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਵਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ L1 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵਧਾਇਆ ਫਰੋਮ 5% ਟੂ 10% ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਚਾਤਰ ਬਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਪਰਚੇ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾਲੇ ਜੈਨ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਸੁਸੋਧੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਲ ਚ ਰਹੂ ਜੀ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਮਗਰ ਬਚਣਾ ਕੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਆਪ ਕਬੂਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਣੀ ਜੀ ਕਮੇਟੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਨੈਕਸਚਰ ਬੀ ਐਕਟ ਬਾਈ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਅ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸ ਫੋਰਮ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਗੈਪਸ ਲਕੂਨਾਸ ਇਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਫਿਸਰ, ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਈਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਟਿੜਕੇ IAS ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਔਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ A, B, C, D, E, F, G ਤੇ H। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੱਟ PM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਅਫਸਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਰਿਬੇਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਟੂ ਰਿਟੇਲਰ ਵਾਇਰ L1 ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਦੈਟ ਰਿਬੇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਰਿਟੇਲਰਸ ਬਾਏ L1। ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਡਿਸਕਰੇਜਿੰਗ ਫਾਰ ਰਿਟੇਲਰਸ ਟੂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 74 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਕਰਤੇ L1 ਤੇ ਰਿਬੇਟ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਮਨੋਪਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 74 ਤੋਂ 7 ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। 7 ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ L1 ਲਾਈਸੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਵ ਅਨਓਫਿਸ਼ਲੀ ਫਿਕਸਡ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਕੇਸਿਸ 300 ਕੇਸਿਸ ਟੂ ਬੀ ਸਪਲਾਈਡ ਟੂ ਰਿਟੇਲਰਸ। ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਅਫੈਕਟਿਡ ਸਮਾਲ ਰਿਟੇਲਰਸ ਹੂ ਵਰ ਨਾਟ ਇਨ ਨੀਡ ਆਫ ਦੈਟ ਮਚ ਆਫ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਹੇਅਰ L1 ਹੋਲਡਰ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਟਰਾਇੰਗ। ਆਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। Here L1 holders seem to be trying to misuse their monopolistic position in market to dictate terms. ਇਹ monopolistic market 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ 74 ਤੋਂ 7 ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਮੋਨੋਪਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ G। As mentioned in the point E, this monopolistic nature of the L1 holders may have been the result of one company, one L1 concept used in the excise policy 22-23. Aap di policy da hi. Bhai, jadon 74 to 7 kar rahe si, odo na pata lagya. Jadon 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ 10% ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਰਪਾਲ ਸਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਦਲ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਲੇ। ਆਪ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ 22-23 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ H 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਮਾਰਜਨਸ ਫਾਰ L1 ਹੋਲਡਰਸ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੈਕਡ ਬਾਏ ਫੁੱਲ ਪਰੂਫ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਭਾਈ,
5% तो 10% इन्हों का मार्जिन तुसी कीता उदो ना तुहानू साउंड इकनोमिक समझ आई। ये पॉलिसी बनती किवें आ? हर साल पिछले साल नालों इनफ्लेशन के हिसाब नाल एक मार्जिनल जिहड़ी इनक्रीज हुंदी है वो ऐड की जाती आई बारी पॉलिसी च। हर साल ही 5% 7% 8% 10% लुकिंग एट मार्केट इनू पॉलिसी नू दिता जांदा है। ते इन्हां नू नहीं पता सी कि तुसी मार्जिन तो डबल करते होलसेलर L1 कटाते सिर्फ इसलिए कि असी इन्हां सत्तां तो पैसे इकट्ठे कर लांगे। जदों पैसे फड़े गए जदों दिल्ली च सब नू पता पॉलिसी बनी जदों बंदे फड़े जान लग पे फिर चातर बन गए तो कहिंदे जी हुण इहनू बदल लिओ। आप ही मन गए अगले पेज च कि हुण तां जी 155 करोड़ इहदे च आउणा। सो ए कल्ली एक मैं तुहानू L1 दी हले ठगी दसी है कि जिहड़ा इन्हां ने L1 दे काम च कीता। इसे तरह अगला इन्हां ने काम कीता इन्हें तां चलो मैं वह गल तो एक होर मैं दसनी सी उस च मैं बाद च आउणा। महल्ला क्लीनिक किन्ने खोले जी भावें प्राइमरी हैल्थ सेंटर बंद करता भावें डॉक्टर कोई भर्ती किया नहीं मगर इश्तहार देते 700 करोड़ दे मगर खोले किन्ने। जो एक क्लेम करते हैं वो कहते जी 504 बाजवा जी नू पता 504 ते तुसी हैरान होंगे बाजवा जी झंडे की सरकार च होना की सी ठेके किन्ने खोलते ठेके किन्ने खोलते 5835 सी जी जदों कांग्रेस की सरकार गई है ते हुण करते 8078 घट्टो घट तुसी ला लो 3000 ठेका नवा खोलता। इन्हें दसो केड़ा हैल्थ ते ध्यान इहदा तां ध्यान ही ठेके च फसिया इन्हें कहदा ध्यान देना। और ये मेरे फिगर नहीं ये फिर मैं कह दिया मेरे नहीं है जी ये झंडे दे आप दी सरकार दे फिगर्स ने मैं विचों ही कढ के लिया आया। मैं थोड़ा पढ़ पुढ़ लैंदा वेख लैंदा ध्यान नाल गल विचार लैंदा तो फिर ही बोलदा। इन्हां ने कीता कि ठेके वधाते जी 5835 ठेके तो 8078 उहदे चों अगे वह छोटे छोटे होंदे ना जिहड़े पिंडां च खोल दिंदे की कहिंदे उहनूं ब्रांचां 1500-1700 तो ब्रांचा ही नवीं खिलाती कि जाओ मौज करो हैल्थ सेंटर ने कहदे खोलने। जिहड़े शराब नूं इनकरेज करना डोर डिलीवरी घर घर पहुंचाउणी दा तरीका अपनाता सिर्फ इसलिए कि सानू जिहड़े पैसे चाहिए ना गुजरात इलैक्शन लड़न लई हिमाचल इलैक्शन लड़न लई होर जिहड़े बाकी सूबे तो नहीं इकट्ठे हो रहे भाजपा नाल लड़ाई लड़न लई वो इतों सौखे कट्ठे हो जाएंगे तो सारा जेड़ा नुकसान है वह पंजाबियों का इन्होंने शुरू करता। और ये भी मेरे फिगर्स नहीं जी ये सरकार दे फिगर्स ने। हाँ जी एजुकेशन से भी मैं लगता इन्हें तो स्कूल नहीं खोले होने जिन्हें ठेके खोलते होर झंडे तो कादी आस सी देखो होर तो आस भी कादी रखी जा सकती। हुण मैनू तो जिन्ना मर्जी ब्लैकआउट कर दे जिन्ना मर्जी झंडिया मैं नहीं दबन वाला जो मर्जी कर ली जिधर जोर चढ़दा जोर ला दी जिदन बहुत जदों जदों मौका मिलू तेरा सामने एक चिट्ठे फरोलू सारे। और मैं फिर कह दिया जिमें राकेश चौधरी दे केस च सी ना नॉट वन थिंग इज़ आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कोई चीज़ सज्जे खब्बे नहीं कोई मेरी बनाई नहीं एक एक फैक्ट इज बैकड अप बाय विच डॉक्यूमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बाय कमेटी ऑफ एक्साइज ऑफिशियल जिहड़ी सरकार ने बनाई है एंड बाय द पॉलिसी ID पॉलिसी मैं तो नहीं छाप देनी सी जो इन्हां दी पॉलिसी बनाई है वह लिया। हुण मैं आ जा जी अगली गल ते कि इन्हां ने फजिंग ऑफ फिगर दे किड्डे बादशाह ने। अच्छा एक और ठगी मारी इन्हां ने वैट लगता हुंदा सी वैट लगता सी जी पिछलियां सरकारां च लास्ट जे मैं सरकार करा कांग्रेस दी उदों वैट सी 14.3% उहनूं घटा के करता 1.10% और ये
वैट का जिनी भी इन्होंने ये नहीं दसिया कि पिछली जिहड़ी फिगर्स असी लै रहे हैं, एक तो रेवन्यू एक्साइज की कलैक्शन सी प्लस उस तुसी वैट ऐड करते सी, इन्होंने सारी वैट की फिगर हुण एक्साइज ची पा ली। मतलब ये नहीं कि रेवन्यू वध्या, हथ की सफाई होगी, कन्न इतना नहीं इतना फड़ना कर लिया, मतलब वह पैसे तो उ ने भावें तुसी उन्हों वैट दे हेड च गिन लो ते भावें उन्हों एक्साइज रेवन्यू दे हेड च गिन लो। इसलिए एक्चुअल इनक्रीज 41% नहीं हुई। फजिंग ऑफ फिगर्स, धोखाधड़ी, जिदे लई आपनू अज पछाण लिया गया, कट्टर झूठ बोलना, कट्टर हथ की सफाई, जिवें चोर की होंदी ना हथ की सफाई, ये गल वक्री है। मैं थोड़ी कह रहा चोर ने, मैं लोग कही जान, मैं नहीं कह रहा, यह हथ की सफाई भावें आप चोरां लई, मैं नहीं कह रहा, भावें कोशिश करते ये बन सकन नहीं बन सकन लोग फैसला करनगे। हाँ जी हाँ जी, वैट घटाता। देखो पिछली सरकारां च की हुंदा सी, एक एक्साइज आउंदा सी और वैट अड आउंदा सी, जो भी सी 14% वैट आउंदा सी, इन्हां ने वैट 1.10% करता 14 तों, मगर वो सारी चीज़ लोड करती एक्साइज च। सो ऑब्वियसली तुसी दिखा दोगे थोड़ा मालिया वध गया, ये तो दस दौ वैट के पैसे किधर गए। हर चीज़ च मैं तुहानू निरी दस रहा हत्थ दी सफाई। हुण मैं अगली गल ते आ जाया, ऐतकी की होया, और चलो मैं चीमा साहब नूं तां नहीं इन्ना, हर सरकार च ही थोड़ा बहुत काम चलता, जदों सरकार जान लगी हुंदी है ना ते ओ सरकार दा, ते जदों नवीं सरकार आउंदी है थोड़ा बहुत हर सरकारां ही आपदा चक्कर चला जांदी, मगर चीमा साहब ने तां वाधू किल्ली नप्पती। चीमा साहब की आ दो तीन वीडियो सुनियो, फिर मैं इस अखीरली गल ते आऊंगा, और वीडियो चला दे। हुण पंज बयान ने जी चीमा साहब दे, खजाने होगा, पर एक पैसा का मोनोपोली एक लंबे समय तो जरा कब्जा सीगा वो तोड़ा गया गा, और 9,000 crore एक मिनट रोको जी, मैं इहदे च तीन दो चीजा ही तुहानू दसना चाह रहा हां कि जेडे मंत्री साहब ने 27 जून 2022 तो लैके हुण तक, हले साल नहीं ना पूरा होया, पांच स्टेटमेंटा बदल गए। पहला कहिंदे 57% इनक्रीज, फिर कहिंदे जी नहीं 37% इनक्रीज, फिर कहिंदे जी 45% इनक्रीज, अखीर च अज कल दी स्टेटमेंट है कि 41.36% इनक्रीज। और जो बजट प्रोविजन दिता सी उहदे च क्या सी कि 9600 crore आऊ, मगर असलीयत च किन्ना आया 8800 crore। वह असलीयत भी नहीं है, उस उहदा भी मैं पर्दाफाश करूँ कि वह असलीयत च की, असलीयत च वह है 7916, मतलब उहदे चो भी 900 crore घटा लो, 9600 तो 8800 दिखाया, 800 दा ठगी, और 800 तो अगे उहनू 88,479 लिया, कोई 8900 दी फेर ठगी मारी, ओ मैं बाद च दस देना, मगर आ देख लियो। चलो जिन्ना टारगेट दिखाया सी बेशक उहदा घटा पर 45%, एक थोड़ा वाधा नहीं हैगा, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਈਡ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 6000 ਤੋਂ 400
400 तो लैके वो 9000 के करीब, क्योंकि लास्ट वाली किस्त आनी है 9000 के करीब जोड़ा है रेवेन्यू पंजाब का पहुंचे। तो नवी एक्साइज पॉलिसी आने के एक वाला वादा जोड़ा पंजाब के अंदर होया। जो असी नवी पॉलिसी लेके आए तो वे नाल पंजाब के अंदर पहली बार की होया कि साडा रेवेन्यू जोड़ा है वह 6254 करोड़ तो 6254 करोड़ तो बन के 8848 करोड़ रुपये से पहुंच गया। 8847 करोड़ रुपए पे पहुंच गया क्योंकि पंजाब के अंदर पहली बार एक नेक नीति वाली कट्टर मान लोगों की बनाई एक ईमानदार कट्टर ईमानदार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन सरकार ने ईमानदार सरकार ने जो शपथ ली जो पंजाब की बागडोर संभाली तो लगभग 41.41 मोर देन 41% का जो इंक्रीज आ फर्स्ट टाइम इतिहासिक तौर पर कहिंदा मोनोपोली सिचुएशन तोड़ती 74 तो करते 7 L1 ते तोड़ कित्थों दित्ती तुसी और हुण 8800 करोड़ का मैं इहदा ही बजट है ना जी तो मैं तो नहीं बनाया इहदे च 132 नंबर पैरे च लिखा न्यू एक्साइज पॉलिसी वुड बी अ गेम चेंजर पॉलिसी पंजाब दे लोकां लई नहीं आम आदमी पार्टी दे खजाना भरन वास्ते विल बी अ गेम चेंजर पॉलिसी विच वुड ब्रेक मोनोपोलीज दैट हैव डिवेलप्ड इन दिस सैक्टर ओवर द ईयर्स वी आर होपिंग एन एनहांसमेंट इन आर एक्साइज रेवेन्यू टू 9648 करोड़ विच वुड बी अ वॉपिंग इनक्रीज ऑफ 56% ओवर 2021-22। हुण मैं इहदा 2 मिनट दिओ थोनू झूठ किवें बोलिया हाथ की सफाई जिहड़ी मैं गल की है मतलब इहदा किसे तो नहीं होनी। देखो हर साल इस साल भी होई ना जी आ एक एक्साइज की ऑप्शन जिहड़ी ऑप्शन हुंदी है जिहड़े लिकर वेंट्स अगले साल लई दित्ते जांदे है या जो थोड़ा एक्सपैक्टेड मालिया साल लई होना है अगले साल लई जद रेवेन्यू उहदी 31 मार्च तो पहला ऑप्शनिंग कर रहे हो तो उहदा रेवेन्यू कुछ इस साल च गिणिया जांदा गिणिया जांदा कि नहीं गिणिया जांदा जिन्ना थोड़े को आ गया सपोज तुसी 12% आ गया 15% आ गया उस 31 मार्च तो जो पहला आ गया 31 मार्च तो पहला ही गिणिया जाना मगर 21-22 च की होया 21-22 च तो पॉलिसी एक्सटेंड करती 3 महीनों नाल होई कि नहीं होई जे एक्सटेंड होगी तो मतलब कि ऑप्शनिंग नहीं हुई हुण गल समझ आई जी कि जेड़ा ऑक्शनिंग हुई वह 3 महीने मगरों हुई वो जाके हुई जून जुलाई च जेड़ा फिगर कट्ठा होया उस दिन वो 925 करोड़ रुपया लेकर वेंट्स के ऑक्शन च होया जेड़ा असल च ऐड होना चाहिदा सी 6254 जेड़ा 6200 करोड़ वो कहिंदे है क्यों हाँ जी आ न्यूज़ में ही तो थोनू दिखा दिना ये आ जिहड़ा पिछला क्योंकि इट वॉज लास्ट ईयर वो लास्ट ईयर लास्ट महीने मार्च 31 तो पहला हो जाती है मगर इन्होंने ठगी ठोरी मारी हथ की सफाई विखाई वह 925 भी इस साल च गिन लिया और जो इस साल की 31 मार्च च हुई वह भी सुभाविक है इस साल गिनना सी जब तुसी 925 वो जोड़ो तो हुण वाले 726 जोड़ो तो आपे सीधे कित्थे जांदा इनक्रीज तुसी दो वारी दी ऑप्शन एक साल च जोड़ लोगे तो आपे तुसी मगर की आर देर फैक्चुअली की असलीयत च उन्हां मालिया वध्या नहीं तदे तां थोड़े तनखावां देण नूं मुश्किल हो रही है तदे थोड़े कोल बिजली दी सबसिडी देण नूं मुश्किल हो रही है क्योंकि तुसी लोकां दा मूर्ख तां बना रहे हो झूठ बोल के मगर असलीयत च थोड़े खजाने दे ओ हालात नहीं बदल रहे बल्कि तुसी उल्ट काम किया तुसी मोनोपोली क्रिएट की और ओही बंदे अमनदीप ढल जिन्हां ने दिल्ली च अज ईडी ने फड़िया उन्हां बंदियां नूं तुसी पंजाब च काम दिता जिहड़ा पैसा तुसी हुण कह रहे हो कि खजाने च आया वह पिछले साल जिहड़ा लुट्टिया गया उहदे लई कौन हिसाब दऊ भाई उहदी मैं अज डिमांड करदा दैट 200 150 200 करोड़ की जिहड़ी ठगी हुई है उहदी रिकवरी होवे
सीबीआई ईडी इन्वेस्टिगेट करे और जिन्हां जिन्हां आप दे लीडरां ने उस चो बेनीफिट किया उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होके अंदर दे के वो पैसे पंजाब दे खजाने च पाउण, क्योंकि यही गल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी मान रहे है। जेड़े मिनिस्टर जेड़े अफसर की कमेटी बनाई सी वह कह रही है कि वाकई मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन खड़ी हुई है। सो चीमा साहब केड़ी कह रहे मोनोपोली तोड़ती, वह केड़ी मोनोपोली तोड़न, फिर आ पेपर सच्चा है कि जेड़ा टीवी च भाषण सच्चा है? यह कैबिनेट तो अपरूव्ड पेपर है, विधानसभा च लेड पेपर है कि तुसी विधानसभा च लोगों नू फिर मूर्ख बना रहे हो? यह तो तुहीन ऑफ द हाउस भी है कि स्पीकर साहब की रीढ़ की हड्डी च इन्ना दम है कि वह इतने एक्शन लेंगे फॉर मिसलीडिंग, फॉर लाइंग टू द पीपल ऑफ पंजाब, मैनू आस नहीं। सो मैं जिहड़ी गल कह रहा कि आ जिहड़ा और इस साल भी इन्होंने एक होर काम की किया है, जिमें मैं पहला थोनू दसिया कि जिहड़ा 6200 करोड़ है बार बार गणाउंदे, जे वो जिहड़ी ऑक्शन हुई वह पिछले साल च जोड़ दो तो रेवेन्यू हो जाता 6254 प्लस 925 करोड़, विच कम्स टू 7179.74 जिहड़ा इस साल च गिन लिया वह असल पिछले साल का सी, और क्योंकि तुसी पॉलिसी एक्सटेंड की वो इसलिए इस साल च काउंट हो रहा, और इस साल च एक्चुअल इनक्रीज जो दस दे फिगर सिर्फ थोड़ी 10.26% की हुई, क्योंकि जब तुसी 925 करोड़ माइनस करो 8841 करोड़ चो वो फिगर आउंदी है 7916, एंड जे वो पिछले साल दे नाल जिहड़ा तुसी पिछले साल की ऑप्शन भी इस चीज गिनी है जब उन्हों उत्थे जोड़ो तो एक्चुअल इनक्रीज थोड़ी 10.26% की है, जिहड़ी झूठ बोल बोल के थोनू कदे अकता, क्योंकि झूठ सी कदे 57 कर देंदे है, कदे 45 कर देंदे है, कदे 41 कर देंदे है, कदे कुछ कर देंदे है, मतलब सुभाविक है फिर झूठ ने तो झूठ ही रहना। इसलिए जिथे फजिंग ऑफ फिगर्स हुई है, हथ की सफाई हुई है, उत्थे खजाने की भी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन करके लुट की गई है। थोड़े कुछ सवाल जी, अजे एफ आई आर की कापी चाहिए है जी, और ढल वाली वह भी दे दिना मैं लैके आज, क्योंकि इन्होंने तो मरे मुकरिया का इलाज कोई नहीं, इन्होंने मुकर जाना, ढल साहब अंदर ने आ लियो जी, आदे च है जी एफ आई आर नंबर एक नंबर च मनीष सिसोदिया, 7 नंबर च है अमनदीप ढल डायरेक्टर ब्रिंडको सेल्स, आप एफ आई आर च भी है दिल्ली, इन्हों दो एलवान ने पंजाब का 50 तो 60% काम किया जिन्हों तुसी मार्जिन वधाए सी 5% तो 10%। मैं कुछ होर फिगर नहीं कढे, नंबर ऑफ रिटेलर जेडे वधे ना, तुसी रेवेन्यू मैक उथों लिया, एक्साइज महकमे तो लिया, और एक्साइज महकमे च एक लकूना रख लिया इन्होंने, एक तो आप मनिया कि असी इनिया दुकाना वधातियां, अगे थले पावर देती कि जे अगे किसी ने पिंड च ब्रांच खोलनी तो किसी गिनती विनती च नहीं आ रही, वो तो न दो नंबर खाते च चल रहा काम, डोर टू डोर शराब की डिलीवरी जो दिल्ली च शुरू किया हो इत्थे शुरू करता, अभी तो पहले दिन तो कह रहे दिल्ली की कॉपी है, और जे दिल्ली च एडा वड्डा स्कैम होया पंजाब च तो मंत्री तस्दीक कर रहे हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वाकई ऐतकी उसे एलवानू इन्हों ने जो फीस वधाई है जिथों पिछली बारी 4 करोड़ लिया सी, ऐतकी उन्हों का 40-40 करोड़ लैन का उन्हों तो बना लिया, क्योंकि डर गए कि जे इस साल फिर खाधी तो फिर साल परचा एक पिछ 21-22 का नहीं होना, 22-23 का नहीं, अगले साल का भी हो जाना। नहीं पहला यार आई थिंक यू शुड आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट, मैं दो मेरी ना अज दी पीसी जी प्लीज, मैं दो देखो पंजाब दे लोकां नू सारी जवाब देई है, मैं विद फैक्ट्स एंड फिगर, जिवें मैं माइनिंग दा एक्सपोज कीता सी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक्साइज पॉलिसी च तुहानू फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट कीते है,
हाओ फजिंग ऑफ फिगर्स एंड हाओ दो बंदियां नूं फायदा पहुंचाउण लई जिहड़ी दिल्ली फसे आ उन्हां नूं फायदा पहुंचाउण लई कॉपी आप कहिंदे आ साडी पॉलिसी। केजरीवाल साहब की कहिंदे आ साडी पॉलिसी देखो पंजाब च किन्नी वधिया चल रही है। वह भाई तेरी जेब च पैसे आउण दे आपे वधिया चल रही है मगर लुट कुसुट किवें हो रही है तेरे मंत्री तसदीक कर रहे इस साल फिर क्यों बदलती। हाँ जी हाँ जी नो जी इंप्लीमेंट हो गया पिछले साल नुकसान हो गया ओ होया जी इन्हों ने 7 एलवाना तो 28 करोड़ रुपया लिया कुल ऐद की एलवाना तो 150 करोड़ रख लिया ते सिद्धी तुसी समझो कि 100 करोड़ ते मुंह मन रहे। मेरा जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स है कल्ला अमनदीप ढल तो ते अनंत वाइंस तो कल्ले तो 100 करोड़ और दूजे पंजा तो क्योंकि 50% बिजनेस इन्हां दोवां ने कीता 50% बाकियां ने कीता 100 करोड़ तो 200 करोड़ दा नेड़े तेड़े 180 तो 220 तक दा नुकसान होया सीधा पैसे आम आदमी पार्टी दी जेब च गए। यार अज तुसी ना जिस दिन पहले दिन थोड़े कोल आउने तुसी सीधी केस वल तुर पैंदे पहला तो हुण थोड़े अगे केस रखिया जनाब जे थोड़ू भी दब लिया फिर होर कि रख लांगे केस अपना तो काम है हौली हौली वह कैंसल हो ही गई ना माइनिंग हो ही गई ना अखीर च। हाँ जी और असी गवर्नर नू पिछली बारी भी मिले सी ये सारे दस्तावेज लैके पहला गवर्नर साहब नू मिलांगे जे उन्हां तो नहीं फिर जरूर इहदा असी लीगल रेमेडी की हो सकती है ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਲਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਏ ਐਲਵਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਵਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਸੱਤ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਰਤ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ 23 ਪਹਿਲਾਂ 74 ਸੀ ਹੁਣ 7 ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਪੋਲੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਚਨਾਪ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਝੰਡੇ ਅਰਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। यार मैं ना तुसी काइंडली मैं ज्यादा तवज्जो उस गल ते नहीं दिती है बिकॉज लॉट ऑफ फिगर्स एक्साइज इज नॉट फोर्थ कमिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि 1.14.3 तो घटा के 1.10% किया हुण जदों तुसी वैट नू वैट दे हैड तो घटा के तुसी एक्साइज दे हैड च पा दोगे तो थोड़ा रेवेन्यू पैसे तो उन्नी आए ओ सर ओ कल्ला वैट एक चीज़ तो नहीं ना आ रहा जी वैट कई चीज़ा तो आ रहा हाँ बड़िया चीज़ा ने जी मैं वैट तेल चो भी आ रहा वैट होर भी बड़ी ता वैट जदों तेल का रेट वधदा उहदे तो भी कॉम्पनसेट हुंदा हुण कित्थों कॉम्पनसेट होया किन्ना होया इस गल दी डिटेल थोड़े कोल भी नहीं है जदों डिटेल दे विच कागज़ जान लगोंगे थोनू एक मिनट च पिक्चर साफ हो जू मेरा काम कच्चा नहीं है भाई पक्के पैरी आना मेनू गल दसदो मेरी एक गल एक मिनट दस दौ थोनू कही गए ना जी राकेश चौधरी ते स्टे सी कही गए ना तुसी स्टे वेख्या अज तक अज भी मैं थोनू जो कह के चलिया ना ये जिन्ना मर्जी एक्साइज महकमा तो इदा इन्हों का जो एफ एम का महकमा होंगे ना माहर होंगे
मैं कहना तो नहीं चाहता सी अज मैं थोड़ा बहुत कहण चलिया वो साढ़े भाई साहब से जी पिछले भाइया जी दे छोटे भाई साहब वह भी कहिंदे सी रोज बजट च पेश हो जांदा सीगा जी कि करजा घट गया करजा घट गया तो की निकलिया हुण वध गया ना ये भी भाई साहब के कहिंदे सी घटा देना वधाता ना इन्हें भी भावा ये जो मर्जी अंदर खाते बैठे करी जान कागज ये तो जो पोस्टमार्टम होंदा ना कि बंदे दे गोलियां किनिया वजिया कित्थे वजिया की कुछ होया उदों निकलदा ये पोस्टमार्टम ही दस रहे पिछले साल का रौला ही पाया सी उदों कागज कोई नहीं सी जदों पोस्टमार्टम होना मेरी एक गल भी गलत नहीं पाई जाऊ तुसी चलो तुसी बैठ ते क्यों उलझदे आ मेरा वीर तुसी ना एक गल दसो तुसी की ए गल आप कह रहे हैं ऐद की इन्हां ने L1 फीस तो 155 करोड़ पाया पिछली बारी क्यों नहीं पाया जी फिर क्यों नहीं पाया ये उदों पाया जदों सुसोदिया अंदर देता तो इधर पाता कि हुण सानू नहीं चाहिदा ये माड़े पैसे है ये तो परछा हो जाना ये पहला ना पता लग्या पहली पॉलिसी की ने बनाई है दिस इज ऑन लिकर यस 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 दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ही इज टेकिंग कलेक्टिव वैट आई एम टॉकिंग ओनली ऑन लिकर सर आई यू नो गुरप्रीत जी आई एम टॉकिंग ऑन अ लार्जर पिक्चर आई हैव मेड द लार्जर पॉइंट्स क्लियर वैट इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट ऑन इट इट्स जस्ट यूज फॉर फजिंग ऑफ फिगर्स जे वेन ही सेज इट्स अ 41.36% इनक्रीज फैक्चुअली इट इज नॉट देखो एज एंड ऑफ द डे एज अ स्टेट तुसी भी चाहते हो थोड़े रेवन्यूज वधन मगर की असलीयत की है पंजाब के लोगों को यह तो हक है ना जानने का कि वध भी रही है कि नहीं वध रही ये बोल रहे ही बड़ा चोरी रोकती जी मोनोपोली रोकती मोनोपोली तो वधाती तुसी चोरी नहीं रोकी तुसी तो चोरी के हिस्से बन गए ठेकेदार उन्होंने रल गए तुसी हत्थ की सफाई दिखाती तुसी तो कल तुसी तो यह चोरी विखाई है या थोड़े कोल तो बहुत कुछ आ गया तो मैं दसो की दसा जी मैं ना थनू ओ यार तुही ये ना छेड़ो फिर तुही यही खबर चला देनी मेरी ओ मार देनी है ये तो एक सेपरेट टॉपिक है मैं इन्ने दिन नहीं बोलिया दो तीन मुद्दों ते मैनू कड़ा नहीं बोलना आउंदा मैं हले वेख रहा हले पिक्चर बाकी है हले तो तुसी वेखो हले चाहे वह एक सिंह का इशू है चाहे वह इधर जेल का इशू है हले तो देखो एक्चुअली स्पीकिंग जो इंटरव्यू आ गई जेलों का महकमा किदे कोल है जी बैंज नूं तां वधाई है बड़े टाइम नाल ही छड गया उन्होंने इस गल की भी बधाई है कि विआह हो गया मेरे वालों दिलों बधाई है हाँ नहीं बहन कहना बड़ा चंगा रह गया मगर जीने लिया कि उहदी भी कोई जवाबदेही है कि नहीं है ओ DGP साहब मैं तो उन्होंने तरस आउंदा दसो मैं पहली बारी कोई देश छड्डो दुनिया च वेख्या अफसर कहिंदा आ वेखो जी इहदियां मुछां छोटियां सी इहदे कमीज का रंग फलाना सी ढींगड़ा सी जिवें तुसीं तैयार करके उन्हूं लेके आए सी वो अगले दिन थोड़ा ही सी ना चैनल अगले दिन तुसी उन्हां कपड़िया ना फिर विखाती वो बोलिया ही नहीं मुड़के बोले अज तक आ विखाई सी DGP साहब ने मैनू तो पता सी किने किधर जाना मैं लैके सब का मटीरियल आया वैसे का वो तुसी मुड़के PC कर तुसी विखाती सेम कपड़िया नाल हैं ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਲਕੌਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੁੱਚਪੋ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਓਨਲੀ ਚਾਈਲਡ ਫੋਰਗੈਟ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਤੀ ਟੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੋ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁੱਛ ਲੰਮੀਆਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਣਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਉੱਡੀ ਦਾੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰੇਜਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲੇਡ ਸੇਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਆਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਹੀ ਲਿਆ। ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦਾ ਫੋਰਮ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝੂਠ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਝੂਠ, ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਝੂਠ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ, ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਝੂਠ, ਮਤਲਬ ਨਿਰੇ ਕੱਟਰ ਝੂਠੇ। ਆ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਨਿਰਾ ਨੈਟਵਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਰਚ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਏਂਗੇ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਂਗੇ ਹਮ ਲੋਗ। ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਸਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਹੈਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡ ਔਨ ਮਾਰਚ 26, ਅੱਜ ਬਦਲਤਾ ਹੋਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਜ ਵੀ ਸਪੀਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 4:11, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਜ ਵੀ ਸਪੀਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਗਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਦਾਵਰੀ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਗਰਦੌਰੀ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚੱਲੇ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਟੂ ਆਨਸਰ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, 20,000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰਰਸ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਕਿੰਗ ਅਪ ਕਰੋਸ ਲੋਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਰ ₹20,000 ਪਰ ਏਕਰ ਫਾਰ ਕਰੋਪ ਲੋਸ ਡਿਊ ਟੂ ਡਰਾਊਟ, ਫਲੱਡ, ਪੈਸਟ ਅਟੈਕ, ਅਨਸੀਜ਼ਨਲ ਰੇਨ ਐਟਸੈਟਰਾ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ, ਹਵਾ ਕਰਕੇ, ਵਾਟਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨੌ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 20,000 ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 22 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਦਾਵਰੀ ਹੋ ਲੈਣ 'ਚ, ਗਰਦਾਵਰੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਗਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਵਿਸ਼ੀ ਪਈ ਆ ਕਣਕ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਧ ਪੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਦਿਓ।
करो किसानां दे हक की गल, किसान तुहानूं हत्थां ते चक्कणगे, सानूं भी कहना पैना वाकई सरकार किसानां दी, मगर नीयत होवे ना जी। अच्छा और सच आ केजरीवाल साहब वह मेहता उन्होंने योग करते वेखना चाहता सी, मैं लगता वह सीन भी नहीं कदे वेख्या भगवंत मान योग करता आ उदन की कह के गया, उदन भी झूठ बोल के गया। हाँ जी कौन कौन उठता पांच बजे कौन, मैं कहना इनू एक ओम बलोम एक आसन आ जाए इनू कर मारी जाने तुम गल्ला यार, सच जानते हो एडा झूठ बोल जाने, दसो की मुख्यमंत्री है की कर लू, एडा भी ना डरो ना कहे तो शरीर च एक पुरजा नहीं जरा योग दे नेड़े दी लंघ जे, सारा ही गालिया गया। चलो वह रब इन लंबी उम्र बख्शे। आ सुन लो जी बताया, हाँ बताया, बारिश में फसलें बर्बाद हो जाती थी, कितनी बार हुआ ऐसे किसानों की फसलें बर्बाद होगी। मुझे याद है जब हम चुनाव के दौरान गांव-गांव के हर पिंड में जा रहे थे, लोग बताते थे कि कोई सुधने वाला नहीं होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था अगर फसलें बर्बाद हो जाती थी। पहली बार ऐसे हो रहा है कि 15,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है, मिल रहा है, हाथ की हाथ मिल रहा है, हाथ की हाथ मिल रहा है। यार के बाद चेक नहीं मिलता था, दसो मैं कहना जी एक किसान पेश कर दो, एक सारे पंजाब दो जिन्हों हाथ की हाथ तुसी फड़ा था, थोड़ा हाथ फड़ के अगला आपके हाथों नू हाथ मार रहा कि साडे बनी की है। आ वेख लो जी, मैं हुण अगली खबर आज ती आ रहा, आ पिछली वारी गुलाबी सुंडी ते गए सी ना पता लैण, इन्हां ने आ खबरां भी ने, मुड़ के हाले तक उन्होंने मुआवजा नहीं मिलिया। किसान जथेबंदियां ने धरने दिते, यह गया सी जी मार्च के महीने च, मैं फोटो विखाउना उदो इहदे नाल फोटो, आ खड़ा आ फोटो ते साबित हो जू, नाल कौन खड़ा तुसीं तां पछाण लैणा, बाऊ जी अपने सिंगला जी, आ चेक दे रहे सिंगला जी, मतलब उदो वजीर सन, ठीक है जी। यह खबर है जी 26 मार्च की, आ फार्मर ने मुड़ के धरना दिता, आ फार्मर स्टार्ट इनडेफिनिट स्टेयर ओवर डिले इन क्रॉप लॉस रिलीफ नवंबर, मतलब आ पिछली दिन दी नरमे दे मुआवजे लई मजदूरा वालों नारेबाजी, आ दिसंबर आ जिन्निया खबरां को मैं दे दूंगा, 19 अक्टूबर 22 आ सितंबर दी हर महीने दी दऊ, नरमा खराबा मुआवजे लई घर बार छड धरने ते डटे किसान, डीसी दफ्तर समूह पिछले 10 दिनों तो धरना जारी, धरने वाली थां ते ही कार्रवाई करवाई जा रही है बच्चों की पढ़ाई। आता थोड़ी अखबार ने लाई है लगता, दसो सब दी अखबारां कढ़ दूं, कल्ले कल्ले दी थोड़ी दी, अजीत भी कढ़ दूं, जगबाणी भी कढ़ दूं, पंजाबी ट्रिब्यून भी कढ़ दूं, हिंदुस्तान टाइम्स भी कढ़ दूं, ट्रिब्यून भी कढ़ दूं, इंडियन एक्सप्रेस भी कढ़ दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी कढ़ दूं, अमर उजाला भी कढ़ दूं, दैनिक भास्कर भी कढ़ दूं, सा ना आवे कढ़ सारियां ही तू खबर कि दसो कि अखबार ने खबर नहीं लाई, इनू इन्हों दिसदी नहीं, ये अनपढ़ हो जाते जो लोगों को मुआवजा या किसानी को मुआवजा देने की गल आती। चलो यार आई हैवंट सीन दैट स्टेटमेंट, मैं उदे बारे विदाउट रीडिंग आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनी स्टेटमेंट, मगर अज दा जेड़ा मुद्दा सी सिर्फ जेड़ा कट्टर झूठे ने ना आम आदमी पार्टी उन्हां बारे मेरा थोड़े सामने रखना सी, और मैं विद वीडियो फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री हर तरीके दे एविडेंस नाल थोड़े अगे गल करके गया, और मैं एक गल फिर अज अपील करदा सीएम साहब नूं कि सीएम साहब थोड़े तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हुंदा, तुसी महा फेलियर हो, चाहे वह जेलां च जो हो रहा, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर के पक्षों हो रहा, जां रॉकेट लॉन्चर अटैक सी, चाहे वह काली देवी मंदिर जां जिहड़ा एक भाईचारक सांझ नूं खतरा पैदा हो रहा, वह थोड़े तो कंट्रोल नहीं हो रही, मगर
ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਪਿਓਰਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ NSA ਲਾਤੀ ਸਭ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਆ ਗਲਵਾਨ ਬੀਂਗ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ 18, 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰੂੰਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਲੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਨੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਚਲੋ ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ ਆਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਵੈਸੇ ਦਿਖਾ ਆਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲ ਮਜੀਠੀਆ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਟਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕੱਟਰ ਬੇਈਮਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ